ये अपने ईगो में लड़ाई में बच्चे को खिलौना बना रखा है। बार बार इसमें एप्लीकेशंस लग रहे हैं, बच्चा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसकी मर्जी की बात आज तक नहीं पूछी गई थी। जब भी बच्चे की कस्टडी का केस आप पिताजी फाइल करना चाहते हैं या माताजी फाइल करना चाहती हैं, तो हम हमेशा दोनों को यही बात बताया करते हैं कि जिस बात पर आपने मेन फोकस करना है वो है बच्चे का वेलफेयर किसके साथ रहने में है, मदर के साथ या फादर के साथ। इसमें दोनों की सोशल बॉन्डिंग देखनी होती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखना होता है, सोशल स्टेटस देखना होता है, इमोशनल स्टेटस देखना होता है, एजुकेशनल स्टेटस देखना होता है, और उसमें ये देखना होता है कि इन दोनों के स्टेटस में से बच्चा किसके पास रहने से ज्यादा मरहूम होगा, बच्चे का वेलफेयर किसके साथ रहने से ज्यादा होगा। लेकिन आप बात नहीं मानते और आपका फोकस रहता है, अगर आप बच्चे के पिताजी हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि जो बच्चे की माँ है उसका करेक्टर अच्छा नहीं है, वो अन्य लड़कों के संबंध में है, जिसकी वजह से बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये मेन फोकस बनाए, ये मेन ग्राउंड बनाए। इसी तरह से लड़कियां भी यही कहा करती हैं कि जो बच्चे का जो पिता है वो गलत करेक्टर का है, गलत लड़कियों के साथ संबंधों में है, इधर उधर घूमता है, और इस बात का असर बच्चे पर पड़ेगा। तो फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके बैड करेक्टर पर, उसके एडल्ट्री पर होना चाहिए। आपको ये याद रखना होगा कि बच्चे की कस्टडी के लिए बच्चे का वेलफेयर सबसे ज्यादा देखा जाता है कोर्ट्स के द्वारा। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है मुंबई हाई कोर्ट में भी। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस केस में कौन कौन से उतार चढ़ाव होते हैं, कैसे बच्चे को दोनों पक्ष अपनी तरफ खींच रहे हैं, बच्चे को एक खिलौना सा बना दिया है। आइए देखते और समझते हैं, और साथ में इस बात का ध्यान रखें जो गलतियां ये माताजी और पिताजी दोनों मिलकर के कर रहे हैं आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि आपका ध्यान सबसे ज्यादा बच्चे के वेलफेयर पर केंद्रित होना चाहिए, न कि इस बात पर कि बच्चा मेरे पास रहा तो मैं जीत जाऊंगा या बच्चा मेरे पास रहा तो मैं जीत जाऊंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहां पर एक इम्प्यूंड ऑर्डर होता है 27 फरवरी 2024 को, जिसमें इस बच्चे के पिता ने एक एप्लीकेशन जो फाइल की हुई थी, जिसमें वो मांग रहा था अपनी 9 साल की जो बिटिया है प्यारी सी, उसकी टेम्पररी कस्टडी को वो मांग रहा था, इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाता है और इस ऑर्डर के खिलाफ ये मुंबई हाईकोर्ट में पहुंचते हैं। चलिए उससे पहले पीछे का घटनाक्रम समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। इस पति और पत्नी के बीच में जो शादी है वो होती है 18 फरवरी 2010 को, और इनकी एक प्यारी सी बिटिया जन्म लेती है 4 जनवरी 2015 को। यहां पर यह भी ध्यान देना है आप सभी को कि ये जो पत्नी है वो डॉक्टर है और जो हस्बैंड है वो आईटी प्रोफेशन में है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो हैं बहुत ही अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। ये जो पत्नी है वो ये कहती है कि 7 अक्टूबर 2019 को इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बच्चे की कस्टडी भी नहीं दी जाती है, और उधर से पति इनका ये कहता है कि पत्नी जो है स्वयं ये घर छोड़ करके अपने आप से अपनी इच्छा से गई है। खैर ये पत्नी एक पुलिस कंप्लेंट करती है 2 जनवरी 2020 को अपने पति के अगेंस्ट। यहां पत्नी ये कहती है कि सिर्फ इसके पति ने ही नहीं, यानी कि इस बच्चे के पिता ने ही नहीं, बल्कि बच्चे के जो दादा है उन्होंने भी इनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की है। 16 जनवरी 2020 को एक FIR लॉन्च कर ली जाती है 498A, 377, 354, 323, 506, 504 और साथ में सेक्शन 34 IPC का। पत्नी एक
डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में जमा करती हैं या दायर करती हैं 22 जनवरी 2020 को, और वहां पर वो बच्चे की इंटरिम कस्टडी मांगती हैं, गुहार लगाती हैं कोर्ट से। वहीं दूसरी तरफ जो पति है वो 27 जनवरी 2020 को एक डिवोर्स पटीशन फाइल करता है कोर्ट में क्रुएल्टी के ग्राउंड पर अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आप सभी को याद है कि उसी समय पर जनवरी में इन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया है और जनवरी में ही घरेलू हिंसा का केस फाइल हुआ है 2020 में, लेकिन मार्च महीने में 2020 में पेंडेमिक आ जाता है, सब चीजें बंद हो जाती हैं और जो बच्चे की जो कस्टडी है वो पिता के पास रह जाती है, क्योंकि उस समय पर जो बच्ची है वो पिता के साथ थी। 1 सितंबर 2020 को पुलिस एक समरी फाइल करती है और साथ में यहां पर जो ये पत्नी है ये चैलेंज करती है एक प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा 9 नवंबर 2020 को। पत्नी जो है एक जो तलाक का केस फाइल किया है पति ने उसमें जवाब देती है, WS जमा करती है और साथ में ही एक काउंटर क्लेम भी वो फाइल कर देती हैं और एक एप्लीकेशन लगाती हैं और उसमें ये कहती हैं कि उनको बच्ची की इंटरिम कस्टडी चाहिए, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है वो यही था कि उनका बच्चे तक एक्सेस नहीं हो पा रहा है। 12 फरवरी 2020 को फैमिली कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो ये वाइफ है इसको 4 दिन के लिए एक्सेस मिल जाता है बच्ची से मिलने का, और शाम को 1 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक के लिए। इसके कुछ ही दिन के बाद 18 मई 2020 को इसको वर्चुअल एक्सेस भी मिल जाता है और अल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन यानी कि हर दूसरे दिन ये वीडियो के जरिए अपनी बच्ची से बात कर सकती हैं शाम 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। बात यही नहीं खत्म हुई है, 4 अगस्त 2020 को फिजिकल एक्सेस तो नहीं मिल पाता है क्योंकि इन्होंने जो फिजिकल एक्सेस है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन इस पत्नी को फिजिकल एक्सेस तो नहीं मिल पाता है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जो उसका वर्चुअल एक्सेस है यानी कि वीडियो के जरिए जो वो बच्ची से बातचीत कर सकती है वो एज इट इज कॉन्टिन्यू हो जाता है। 9 नवंबर 2020 को फिजिकल एक्सेस भी उसको मिल जाता है पत्नी को, और 14 ग्यारह 2020 से 17 ग्यारह 2020 यानी कि 4 दिन के लिए इस बच्चे की कस्टडी मां को सौंप दी जाती है। उसके बाद 19 बारह 2020 को एक और ऑर्डर होता है और इसमें इस बच्ची को मिलने के लिए फिजिकली यानी कि रूबरू सामने मिलने के लिए कह दिया जाता है कि ये 24 फरवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक मिल सकती हैं, और साथ ही साथ 4 जनवरी 2021 को क्योंकि बच्चे का बर्थडे है उस दिन भी ये अपनी मां के पास आ सकती हैं। बात यहां पर खत्म नहीं हुई, आप सभी देख रहे होंगे कि कैसे धड़ाधड़ एक के बाद एक एप्लीकेशन आ रही है, कभी फिजिकल एक्सेस मांगा जा रहा है, कभी वर्चुअल एक्सेस मांगा जा रहा है, कभी इंटरिम कस्टडी मांगी जा रही है, लेकिन यहां पर किसी का भी ध्यान बच्चे की वेलफेयर की तरफ नहीं जा रहा, कोई भी ये नहीं सोच रहा कि बच्चे का वेलफेयर आखिरकार किस तरफ है, बच्चे से नहीं पूछा जा रहा कि बच्चा आखिरकार चाहता क्या है, उसको एक खिलौना बना रखा है, इधर से उधर उसको दौड़ा रहे हैं। खैर 6 फरवरी 2021 को वीकेंड का एक्सेस मिल जाता है, वीकेंड माने शनिवार और इतवार, और हर दूसरे और चौथे शुक्रवार से लेकर के संडे तक यानी कि 3 दिन के लिए, दूसरे फ्राइडे से संडे तक और चौथे फ्राइडे से लेकर के संडे तक फिजिकल मिलने के लिए एक ग्रांट कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। यहां ये बात याद रहे कि जो वर्चुअल एक्सेस था यानी कि वीडियो के जरिए जो बच्चे से बात करनी थी उसको कोर्ट के द्वारा मना कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर ये कहा जाता है कि ये बच्चा जब वीडियो पर बातचीत कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, वो बहुत ज्यादा परेशानी भरा हो रहा था बच्चे के लिए, बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा था। वाइफ इस बात को, इस ऑर्डर को चैलेंज करती है और एप्लीकेशन लगाती है कि इस बच्चे की इंटरिम कस्टडी उनको चाहिए, ऐसा कहती हैं इस बच्चे की माताजी, और बच्चे की वो एक्सेस मांगने के लिए
या बच्चे की इंटरिम कस्टडी मांगने के लिए एक एप्लीकेशन लगा देती हैं, लेकिन बाद में वो इसको वापस ले लेती हैं और ये कहती हैं कि इसको लिबर्टी के साथ, यानी कि ये कहती हैं कि वो इसको दोबारा से वो फाइल करेंगी, इस बात की मोहलत के साथ वो इसको वापस कर देती हैं। कुछ समय के बाद 17 मई 2021 को फैमिली कोर्ट समर वेकेशन के लिए इस पत्नी को सौंप देती है बच्चे को, और वो कहती है कि 18 मई 2021 से लेकर के 31 मई 2021 तक बच्ची मां के पास रहेगी, मां की कस्टडी में। लेकिन इस बीच में 9 मई 2022 को फैमिली कोर्ट मुंबई जो है वो रिजेक्ट कर देती है इंटरिम स्टे को, और समर वेकेशन का एक्सेस वो हालांकि दे देती है 13 मई 2022 से लेकर के 27 मई 2022 तक, और ये पत्नी रिट पिटीशन फाइल करती है और चैलेंज करती है इस ऑर्डर को। 16 12 2022 को ये अलाउ हो जाती है और ये कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि इस केस को वापस भेज दिया जाए और जो इंटरिम कस्टडी को जो कि खत्म कर दिया था उसको फिर दोबारा से सुनवाई की जाए। 9 फरवरी 2021 को जब दोबारा से सुनवाई होती है तो फैमिली कोर्ट इस बच्चे की इंटरिम कस्टडी बच्ची की मां को सौंप देती है, और साथ ही ये कहा जाता है कि जो बच्ची का जो पिता है वो हर महीने या हर हफ्ते के अंत में, यानी हर वीकेंड पर सैटरडे संडे को इस बच्ची से मिल सकता है, और इसके साथ साथ जैसा पहले माता के पास वर्चुअल एक्सेस था, यानी कि वो वीडियो के जरिए हर दूसरे और चौथे सैटरडे संडे को बच्चे से मिल सकते थे, बात कर सकते थे, तो यहां पर कह दिया जाता है कि हर अल्टरनेट डे पर, हर दूसरे दिन ये जो बच्ची का पिता है वो चाहे तो वीडियो के जरिए या चाहे तो सिर्फ फोन के जरिए इस बच्ची से बातचीत कर देता है। इस ऑर्डर को ये पत्नी चैलेंज करती है रिट के जरिए 16 फरवरी 2023 को, लेकिन यहां पर ना तो कोई स्टे मिलता है इस पत्नी को, और बल्कि 1, 2, 3 तारीखें चलती चली जाती हैं, और आखिरकार इस बच्ची का जो कस्टडी थी वो 24 फरवरी 2023 को सौंप दी जाती है वापस इस माता के पास। यहां पर एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कि ये जो छोटा बच्चा है जिससे अभी तक कोर्ट ने बातचीत नहीं की है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बच्चे की चाह क्या है, बच्चा चाह क्या रहा है, इस बात के बारे में किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं, बच्चे के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा अभी तक। डॉक्टर साहिबा जो उन बच्ची की माँ है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है जो बच्ची के पिताजी हैं, ये अपने ईगो में लड़ाई में बच्चे को खिलौना बना रखा है। बार बार इसमें एप्लीकेशंस लग रहे हैं, बच्चा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसकी मर्जी की बात आज तक नहीं पूछी गई थी। खैर आखिरकार इस बच्ची को इंटरव्यू करने के लिए, यानी उस बच्ची से बातचीत करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। यहां पर वीकेंड पर जैसे बच्ची को आना था तो बच्ची आ जाती है, लेकिन वो वापस 25 जून 2023 को वो वापस वो नहीं पहुंचती है। अब यहां पर एक जो एप्लीकेशन थी उसमें इंटरव्यू होता है, हियरिंग के दौरान जो बच्ची का पिता है उसकी बात को डिसमिस कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि, और यहां पर ये गौरतलब रहे, जो बच्ची के पिता ने रिट पिटीशन फाइल की थी मुंबई हाई कोर्ट में, वो बार बार इस बात को कह रहा है कि जो बच्ची की मां है उसका चरित्र ठीक नहीं है, और यहां पर बच्ची की जो नानी है वो घर पर रहती है, बच्ची की जो मां है जो डॉक्टर है उसने अपना घर अपने क्लिनिक के पास में लिया हुआ है, वहीं पर दूसरी तरफ जो बच्ची के पिता है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, लेकिन बच्ची की जो दादी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, और यहां ये भी बहुत हैरानी वाली बात है कि जब भी बच्ची के स्कूल से फोन जाता है तो इस पॉलिटिकल ये जो पॉलिटिकल फिगर है इसकी दादी, इसके पास फोन जाता है। तो यहां पर ये एक बहुत हैरानी की बात हो रही थी कि बच्ची के वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, आप पॉलिटिकल फिगर के बारे में सोच रहे हैं, आप डॉक्टर होने की बात कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्ची का वेलफेयर कहां पर है ये समझ कहीं नहीं जा रहा। खैर आखिरकार इस बच्ची को 9 फरवरी 2024 को अपने पापा के घर वापस जाना था,
लेकिन वो वापस नहीं जाती है क्योंकि वो बच्ची जो है 24 फरवरी 2023 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक अपने माताजी के घर पे थी और 9 फरवरी 2024 को ऑर्डर के हिसाब से उसको अपने पापा के घर पे वापस जाना था, वो नहीं जाती है, वापस नहीं जाती है। तो 12 फरवरी 2024 को एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई जाती है और इस बच्ची के पिता के द्वारा ये कहा जाता है कि इस जो ये ऑर्डर हुआ था इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए और ये जो बच्ची की माताजी को जो इंटरिम कस्टडी जो दे रखी है वो गलत दे रखी है, वो कस्टडी नहीं देनी चाहिए क्योंकि बच्ची की माँ का चरित्र खराब है, गलत है, वो किसी अन्य पुरुषों के साथ संबंधों में है। खैर 29 फरवरी 2024 को जिस रिट पटिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं मुंबई हाईकोर्ट में जो पहुंची है, जहां पर इंटरिम प्रोटेक्शन मांगी थी इस बच्ची के पिता ने, यहां पर उसको इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है बल्कि ये कहा जाता है कि बच्ची की माताजी एक डॉक्टर है, वो उस बच्ची के बदलते हुए व्यवहार के बारे में, क्योंकि बच्ची अब 9 साल की हो गई है और 9 साल की बच्ची को बहुत ज्यादा माँ की जरूरत होती है उतार चढ़ावों के बारे में, और वो डॉक्टर होने के जरिए वो बहुत अच्छी तरह से बच्चे की जो वेलफेयर है या बच्चे की जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकती है। इसी तरह से जो बच्चे की नानी है वो घर में रहती है और ये भी देखा गया कोर्ट के द्वारा कि बच्चा जब अपनी मम्मी और नानी के घर में रह रहा था उसका जो स्कूल का रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही थी। वहीं अगर दूसरी तरफ से बात की जाए तो बच्ची की जो दादी है वो पॉलिटिकल फिगर होने की वजह से वो घर से बाहर रहती हैं, वो अपना बाहर इतना ज्यादा रहती हैं कि बच्ची को वक्त नहीं दे सकती, और उस तरह से दूसरी तरफ देखा जाए तो बच्ची का जो पिता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते वो भी बाहर रहता है, तो बच्ची को कौन देखभाल करेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बच्ची की नानी के साथ साथ इन्होंने एक पूरे दिन की मेड भी रखी हुई है जो इस बच्ची का अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी, और यहां पर यह भी देखा गया कोर्ट के द्वारा कि बच्ची का जो रिकॉर्ड है पूरा का पूरा स्टडी का रिकॉर्ड है, जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है, वो बहुत ही अच्छा जा रहा था जब बच्ची अपनी मम्मी और नानी के साथ रह रही थी। और इस बच्ची की माता जी ने जो घर ले रखा था वो अपने क्लिनिक के पास ले रखा था ताकि किसी भी तरह की कोई भी बात हो तो वो बच्ची के पास फौरन पहुंच जाए। यहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने एक बात बहुत अच्छी तरह से कही कि यहां पर अगर देखा जाए एडल्ट्री का ग्राउंड के ऊपर भी अगर बात की जाए तो यहां एडल्ट्री का ग्राउंड कहीं पर प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ एक एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन यहां ये भी सोचने वाली बात है कि अगर एडल्ट्री का ग्राउंड देखा जाए तो वो सिर्फ पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स होने के लिए तो कामगर है, लेकिन अगर उस एडल्ट्री के ग्राउंड को बच्ची की कस्टडी के लिए यूज किया जाए तो वो यूज नहीं किया जा सकता, वो ऐसा ग्राउंड बच्ची की कस्टडी के लिए किसी भी हालत में फायदा नहीं देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि आप सभी लोग एडल्ट्री 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 कर करके और उस ग्राउंड को बड़ा करके और बच्चे की कस्टडी के लिए जो केस फाइल करने की गुहार करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपका बच्चे की कस्टडी का जो केस है वो बच्ची के या बच्चे के वेलफेयर के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, तभी आपको बच्चे की कस्टडी मिल पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।